नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस भर्ती की हम बात करने वाले हैं वो है UPSC में निकली हुई बड़ी भर्ती। दोस्तों CDS 2 का 2018 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आज मैं पूरी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वैकेंसी की। तो दोस्तों यहां पर 414 पदों पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। एलिजिबिलिटी की पूरी चर्चा करेंगे कि यहां पर योग्यता क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, और यहां पर सिलेबस की भी हम बात करेंगे कि यहां पर क्या आपके सब्जेक्ट आएंगे एग्जाम में। और दोस्तों लास्ट डेट के बारे में और एग्जाम डेट के बारे में और यहां तक कि रिजल्ट कब आपका अनाउंस किया जाएगा, तो दोस्तों आज पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपके जो भी सवाल डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाए इस CDS 2 के एग्जाम को लेकर के। और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी भर्तियां लेकर आ सकें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके, और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन दिखेगा इसको भी आप दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अगर आपने वीडियो देख रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे फेसबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों यूपीएससी द्वारा CDS 2 का एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा रहा है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जी हां दोस्तों, यहां पर टोटल वैकेंसी जो है 414 पदों पर है। और पोस्ट की अगर बात करते हैं तो यहां पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर वैकेंसी है और इंडियन नोवल अकेडमी की है और एयर फोर्स अकेडमी की है और यहां पर ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की, इन सभी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो यहां पर मिनिमम जो एज लिमिट है वो 20 साल से लेकर के मैक्सिमम 24 साल के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं जो कि इंडियन एयर फोर्स के लिए है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर कुछ वैकेंसी है जिसमें 24 की जगह 25 भी होगी एज लिमिट मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों, जो आपको हम नोटिफिकेशन में बता देंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको आयु सीमा में छूट भी है जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो यहां पर अदर कैंडिडेट्स के लिए मतलब यहां पर जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपए आवेदन शुल्क है और फीमेल और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट मोड यहां पर है कैश और ऑनलाइन। जी हां दोस्तों, आप कैश भी जमा करा सकते हैं बैंक में जाकर या फिर आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो 10+2 PCM में मांगा गया है, और या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या हस्बेंड्री हो, तो दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, मतलब कि रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो दोस्तों यहां पर जो आवेदन है 8 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और यहां पर लास्ट डेट है 3 सितंबर आवेदन करने की, ठीक है। और यहां पर आपको जो पेमेंट करना है कैश, अगर आप पेमेंट कैश करना चाहते हैं तो 2 सितंबर तक आप पेमेंट कैश कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस का। और यहां पर जो है ऑनलाइन पेमेंट का है वो है 3 सितंबर का, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो दोस्तों यहां पर एग्जाम डेट आपकी कंफर्म है 18 नवंबर को एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा और यहां पर आपका दिसंबर में भी रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कि कुछ 35-40 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाता है इस एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स की, तो यहां पर नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट, तीनों का लिंक आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा और हमारी साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप सीधा नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने यहां पर नोटिफिकेशन में 19 नंबर पेज ओपन कर रखा है, यहां पर आपको एग्जामिनेशन का स्कीम एग्जामिनेशन बता रखी है जिसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपका एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयर फोर्स एकेडमी, इन तीनों के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरीके से है कि यहां पर इनके लिए इंग्लिश आएगी और जनरल नॉलेज आएगी और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, जो कि आपके 2 घंटे का पेपर होगा 100-100 नंबर का, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर ऑफिसर, जी हां दोस्तों ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की, इनके लिए यहां पर आप देख सकते हैं ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है जिसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज आएगी, ठीक है। तो ये हो गया इन तीनों चारों पोस्टों की बात, ठीक है, जिसमें एग्जाम पैटर्न है। अब नीचे चलते हैं तो यहां पर आपको एग्जाम का सिलेबस मिल जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं सिलेबस में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि जनरल नॉलेज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से विषयों के बारे में यहां पर आपसे पूछा जाएगा और अर्थमेटिक के बारे में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके जो भी सवाल डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए आपको सीधा यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा जिसका लिंक आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर, जैसे आप तो यहां पर आप सीधा ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाएंगे। यहां पर आपको क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पे क्लिक करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन है और यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधा पार्ट 1 पे आ जाएंगे। आपको सीधा स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आपको यस करना है। यस करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों कुछ देर बाद में आपके सामने यहां पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको करना क्या है, आपका पंजीकरण करना है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको यहां पर आपकी पूरी डिटेल्स डालनी होगी, इंफॉर्मेशन डालनी होगी, तब जाके आपका जो स्टेप 1 है वो
कंटिन्यूस हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा और आपको कंटिन्यूस कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना है सेकंड पे। यहाँ पर आपको सेकंड पे करने के बाद में आपके सामने भी एक ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पेमेंट करना होगा, सेंडर सेलेक्ट करना होगा, फोटो और आपकी जो सिग्नेचर है वो अपलोड करके आपको एग्री करना है और उसके बाद में आपको फाइनली फॉर्म को सबमिट करना है। इस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इसकी नॉलेज हो सके और वो भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।